Chair Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, do subscribe to our YouTube channel SSP Success. And for more updates, you can join our Telegram channel. So, today we are going to cover a latest lecture topic that was asked in AFSP Varanasi, and that is Indian Missile Program, and it was recently asked.

उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन की थी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स किसके रिक्वायरमेंट मिसाइल के टाइप के रिक्वायरमेंट जो कि डिफेंस फोर्सेस को है एंड उन्होंने ये देखा कि वी नीड टू डेवलप फाइव मिसाइल सिस्टम इफ वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको फॉर्मली अप्रूवल मिला था इंडियन गवर्नमेंट से 26 जुलाई 1983 को उसके बाद जो है कंट्री के साइंटिफिक कम्युनिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर एन डी लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज थ्री डिफेंस सर्विसेज ने इसको शेप दिया स्ट्रेटेजिकली इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम को मिसाइल का जो प्रोग्राम था वो आई जी

रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर ये फर्स्ट है इंडिजीनियस लैंड एंड सी बेस मिसाइल में जो इंक्लूड करती है पृथ्वी टू को शिप लॉन्च धानुष और पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के साथ इंडियन आर्मी ने विड्रॉ किया है पृथ्वी वन को फ्रॉम सर्विस ओके इफ यू टॉक अबाउट पृथ्वी टू ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसके पास मैक्सिमम वॉरहेड है की कैपेबिलिटी है दैट इज 500 केजी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इसकी रेंज एक्सटेंडेबल है दैट इज 250 किलोमीटर इसको डेवलप किया गया था इंडियन एयर फोर्स के द्वारा बीइंग द प्राइमरी यूजर और ये पहली बार टेस्ट फायर की गई थी 27 जनवरी 1996 को एंड जिसकी डेवलपमेंट स्टेजेस थे वो कंप्लीट कब हुए 2004 में जो वेरिएंट है किसका इंडक्ट किया गया था इसका पृथ्वी 2 का आमे के अंदर भी और टेस्ट में मिसाइल को लॉन्च किया गया था इन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 350 किलोमीटर इसमें इंप्रूव्ड नेविगेशन है ड्यू टू इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जो मिसाइल का जो फीचर है वो डिसीव करता है एंटी बेलिस्टिक मिसाइल को न्यू सोर्स के अकॉर्डिंग रेंज जो है वो इंक्रीज कर दी गई है अब 350 किलोमीटर तक पेलोड कैपेसिटी जो है वो 500 से 1000 केजी के बीच में है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इसके इंडिजीनियस न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी टू मिसाइल को नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज पृथ्वी ये टू टू स्टेज है मिसाइल है जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल है विद सिक्सटीन मेट्रिक टन फोर्स जो की वन किलो यू नो यूनो न्यूट्रन थ्रस्ट मोटर प्रोड्यूस करता है स्टेज है आपका लिक्विड और उसके बाद टू फिफ्टी के जी वॉर हेड को भी जिस जो का डिस्टेंस है अपटू फाइव सेवन फिफ्टी किलोमीटर धानुष की बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट धानुष इट्स अ वेरियंट ऑफ सर्फेस टू सर्फेस और शिप टू शिप

इंडिया के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका रेंज है 12 किलोमीटर ये फिट होता है 5.5 केजी वॉरहेड के साथ इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लो लेवल टारगेट्स के लिए यूज की जा सके और सिस्टम को डेवलप किया गया है टू डिफेंड नेवल वेसल्स अगेंस्ट मिसाइल्स और ये शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल ऑन लैंड है नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज आकाश आकाश एक मीडियम रेंज टू एयर मिसाइल है जो इंटरसेप्ट कर सकती है टारगेट विद इन रेंज ऑफ 30 किलोमीटर नेक्स्ट वी आर हैविंग अग्नि अग्नि को डेवलप किया गया था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको टेस्ट किया गया 1989 में इसके सक्सेस के बाद अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को सेपरेट किया गया आईजीएमडीपी से ये उसके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने के बाद

इसको स्टार्ट किया गया था दस लेबोरेटरी के साथ नाउ फिफ्टी टू लेबोरट्रीज विच आर डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो एरोस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग सिस्टमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन मिसाइल एडवांस कंप्यूटिंग सिमुलेशन स्पेशल मटेरियल नेवल सिस्टम लाइफ साइंस ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैक्ट है ओवर साइंटिस्ट एंड अबाउट टेक्निकल एंड सपोर्टिंग पर्सनल काफी डिजाइन के, 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 डेवलपमेंट चुकी, चुकी और जो लीड है प्रोडक्शन की आर्ट ऑफ आर्ट सेंसर वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म एलिपमेंट फॉर आर डिफेंस सर्विस की अगर हम बात करें तो उनको भी अटेन किया जा रहा है इशूज क्या है डी आरडीओ के जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की ड्यूरिंग टू थाउजेंड सिक्स उन्होंने डीआरडीओ का दैट वॉज फाइव पॉइंट सेवन नाइन परसेंट इन टू थाउजेंड इलेवन टू 12 वो रिड्यूस कर दिया गया 5.34 पॉइंट परसेंट दो से 14 so, कही कही, में सो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में कमी देखने को मिल रही थी कॉस्ट एक्सकलेशन और लॉन्ग की वजह से रेपुटेशन डैमेज हुई है डीआरडीओ की सिक्सटी ईयर हो चुके हैं डीआरडीओ की फॉर्मेशन को इंडिया स्टील इंपोर्ट करती है लार्ज ऑफ इट्स शेयर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ठीक है उसके बाद अगर हम देखें कावेरी इंजन जो कि लेट है बाय 16 इयर्स और उसका कॉस्ट 800 हंड्रेड परसेंट एक्सकलेट किया हो गया है उसके बाद डीआरडीओ की लिस्ट जो है सक्सेस इज वेरी शॉर्ट प्राइमरली अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल उसके फेलियर ज्यादा है ठीक है सो so, क्या के एक रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि बेसिकली टेक्नोलॉजी अप हो रही है डीआरडीओ में ओके एंड ऑफ कोर्स फंडिंग की भी कमी हो रही है वे फॉरवर्ड क्या है डीआरडीओ को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है यू यूनो you know, जो कि एक कमेटी ने सजेस्ट किया था 2007 में डीआरडीओ के फॉर्मर वीके के सारस्वत जिनको जिनको बोला गया था कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कमीशन को सेटअप किया जा सके जिसमें डीआरडीओ बिगर रोल प्ले करेगी डीआरडीओ ने काफी स्टेप्स लिए हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सके विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंडर्स एस एच एस टाटा कंसल्टेंसी टू बिल्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट डीआरडीओ का जो मूव है ना आउटसोर्स का दैट इज अ राइट मूव बट वो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी खोलेगा फॉर इंडियन कंपनीज ओके So guys that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.